नमस्कार, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त में आपके साथ महक आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट की। कांग्रेस से आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने चुनाव आयोग को अजीब पत्र लिखा है। विधायक ने कोरोना से बचने के लिए पत्र के माध्यम से मांग की है कि आगर इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना फैल रहा है, इससे लोगों के मन में फिर से लॉकडाउन का डर फैल गया है, इसलिए क्यों न आगर इंदौर उज्जैन देवास तथा पूरे मध्य प्रदेश में भी चुनाव कराए जाए, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां कराई जाए और रैली में भारी भीड़ को इकट्ठा किया जाए ताकि भीड़ को देखकर कोरोना मध्य प्रदेश छोड़कर भाग जाए। विधायक विपिन वानखेड़े ने कोरोना से बचाव का उदाहरण देते हुए बताया कि बंगाल एवं जिन राज्यों में चुनाव है वहां भारी भरकम भीड़ के साथ रैलियां की जा रही है, इससे वहां कोरोना ने जाने से मना कर दिया है। वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरीके से वहां कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, जबकि त्योहारों के समय लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 2091 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोविड 19 की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,84,265 तक पहुंच गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 9 और मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक इस बीमारी के कुल 3,937 लोगों की जान गई है। ये जानकारी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार को कोविड 19 के सबसे अधिक 612 नए मामले इंदौर में आए, जबकि भोपाल और जबलपुर में क्रमशः 425 व 156 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 2,84,265 संक्रमितों में से अब तक 2,68,290 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और 12,048 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 1,048 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सोनसर में भी संडे को लॉकडाउन किया जाएगा। सीएम शिवराज की मौजूदगी में भोपाल में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। इन्हें मिलाकर प्रदेश के अब तक 12 शहर संडे को लॉकडाउन रहेंगे। सरकार ने सबसे पहले पिछले हफ्ते रविवार 21 मार्च को इंदौर, जबलपुर और भोपाल में लॉकडाउन किया था। उसके बाद इसका दायरा बढ़ाकर बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन को भी संडे लॉकडाउन में शामिल कर लिया था। आज इसे और बढ़ाकर 5 नए शहर इसमें शामिल कर दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लोगों से अपील की है कि वो घर पर रहकर ही त्योहार मनाएं। जिन जिलों में कोरोना के 20 से अधिक मामले हैं वहां होलिका दहन और शबे बारात प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाए। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।